नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपने वीडियो में पुराने बचे हुए कपड़ों की कतरन का यूज़ कर रही हूँ। आज मैंने पुराने जींस का यूज़ किया है, अपनी कुर्ती का यूज़ किया है और कुछ नए इस तरह से मेरे पास कपड़े की कतरन थी जिनका मैं आज यूज़ कर रही हूँ। ये रेड कपड़ा मेरे पास बस इतना ही थोड़ा सा था, इसे भी मैं यूज़ करूँगी। और ये जो ब्लैक कलर है, ये मेरे पेटीकोट का ये कपड़ा है जिसका भी मैं आज यूज करूंगी। सबसे पहले तो ब्लैक कलर से हम कोई भी एक प्लेट से गोल सर्किल काट लेंगे। आपके पास जिस तरह का कपड़े का कतरन बचा है, आप उस साइज का गोलाई में कट करिएगा। मेरे पास ये जो प्रिंटेड है वो उसकी चौड़ाई बहुत कम है, इसलिए मैंने छोटी प्लेट का यूज किया है। इस तरह से हम इसे गोल में कट कर लेंगे। अब इसी साइज से हम प्रिंटेड कपड़े में से भी गोल सा कट कर लेंगे, लेकिन कट करने से पहले इस तरह से पिन से हम फिक्स कर लेंगे जिससे कटिंग के समय में कपड़े सरके नहीं और सेम साइज की कटिंग हो। अब इस तरह से गोल में से एक प्रिंटेड और एक प्लेन को मैंने इस तरह से बराबर से रख लिया और पिन की हेल्प से इसे मैंने फिक्स कर दिया है ताकि सिलाई करते समय में ये सरके नहीं। अब इसके किनारे में हम इस तरह से गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे। लास्ट में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और हम कपड़े को अब इस तरह से उलट लेंगे और इसे खूब अच्छे से प्रेस करके बराबर कर लेंगे और इसके किनारे को इस तरह मोड़ करके हम सब तरफ से सिलाई लगा देंगे। इस प्रिंटेड कपड़े से 12 पीस गोल निकला है मेरा, इसलिए मैं बस इस 12 पीस का ही यूज करूंगी। आपके पास अगर एक कलर के बहुत कपड़े नहीं है तो आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी बना सकती हैं। ये सभी 12 पीस रेडी हो गया। अब हम स्केल से सब तरफ से करीब 2 सेंटीमीटर हम सब तरफ से इस तरह से लाइन खींच लेंगे जिससे कि अंदर में वो एक स्क्वायर शेप हो जाए। सभी पीस में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। क्योंकि ये 12 पीस रेडी हुआ है, इसलिए हम 4-4 पीस का रो तैयार करेंगे। इस तरह दोनों को हम पिन की हेल्प से जोड़ देंगे, सभी को इस तरह से जोड़ लेंगे चारों पीस को एक दूसरे के साथ में। और वहां सिलाई लगा देंगे। इस तरह से 3 रो हो जाएगा। और अब हम एक दूसरे को इस तरह से फिर से हम पिन की हेल्प से इसे हम फिक्स कर देंगे और इसमें पूरी सिलाई लगा देंगे। बारह पीस हमारा ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। अब एक प्रेस गरम करेंगे और इस तरह से हम सभी पट्टी को खोल देंगे जिससे कि ये फूल की पंखुड़ी की तरह वो खुल के हो जाएगा।
सभी में इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे और इसके किनारे में इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। किनारे के पार्ट को भी हम मोड़ देंगे और एक सिरे से सिलाई करना शुरू करेंगे और एक स्क्वायर पूरा एक साथ ही हम पूरा सिल देंगे। इसी तरह हम सभी स्क्वायर को इस तरह से सिलते जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये हमारा एक कॉर्नर हो गया। इसी तरह से हम सारे स्क्वायर में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा कंप्लीट इतना पार्ट हो गया है। अब जितने बड़े साइज का डोरमैट बनाना है उतने बड़े साइज का हम एक फैब्रिक लेंगे और उसके सेंटर में हम इस तरह रख देंगे और इसके किनारे किनारे इस तरह से हम पट्टियों को अटैच कर देंगे। यह पट्टी अटैच हो गया। अब हम सेंटर में इस तरह से सभी पंखुड़ी में हम इस तरह से एक गोल सा फैब्रिक को हम अटैच कर देंगे जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो पहले तो ये गोल सर्किल कट करके हम इसे कच्चे टाके से वहां सेंटर में फिक्स कर देंगे और जैसे एप्लिक करते हैं उस तरह से थोड़ा थोड़ा साइड में कैंची से कट लगा लेंगे और हेमिंग कर देंगे इसके किनारे किनारे। और ये हमारा बन गया। इसके पीछे मैंने चूंकि डोरमैट बनाना थोड़ा थिक होने के लिए मैंने पुराने बेडशीट का इस तरह से पीछे से कपड़े से लाइनिंग लगा दी है जिससे कि ये हमारा हेवी सा डोरमैट तैयार हो गया। अब इसी तरह सेम मैंने पुराने जींस से गोल सर्किल कट करके इस तरह से एक रनर टेबल रनर को बनाया है। और ये देखिए हमारा ये कपड़े का कतरन कितना यूजफुल हो गया।